अमरोहा नगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन बुलेट के तहत 3 आरोपी अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार। बड़ा खुलासा। थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन बुलेट के तहत 3 शातिर अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों, मैगजीन व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया है। बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन बुलेट अभियान के तहत थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मोहल्ला कटरा गुलाम अली से 3 छात्र बदमाशों को अवैध पिस्टल, मैगजीन और 5 अवैध तमंचे व विभिन्न बोर के 153 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए छात्र बदमाश अवैध हथियारों की तस्करी का काम करते थे, जिनके संबंध में मुखबिर से मिली सूचना के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके बारे में बताते हुए अमरोहा के पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पकड़े हुए बदमाशों में से एक का नाम दीपक शर्मा है। आरोप है कि दीपक शर्मा करीब 15 वर्षों से अन्य राज्यों से अवैध हथियारों की तस्करी करता है तथा अपने मिलने वाले लोगों के माध्यम से उनको ऊंचे दामों पर बेच देता है। इसके अलावा आदर्श शर्मा उर्फ छोटू और शिवम शर्मा नाम के यह आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है और बरामद माल को कब्जे में लेकर मालखाने में दर्ज कराया गया है। ये सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ कोतवाली शहर अमरोहा में कि कुछ व्यक्ति जो है अवैध असलों को एकत्र किए हुए हैं और उनका व्यापार करते हैं। उसी में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक व्यक्ति दीपक शर्मा नाम का है, जिसकी पूर्व में रंजिश थी और ये 302 में जेल गया था और उसी में इनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। उसी में अपील पर चल रहा है और उसी दौरान इसका जो इसने बताया है, पूछताछ में सामने आया है कि उस टाइम पर इसने मुंगेर से पिस्टलें ली थी और उसके बाद अब ये जो है तमंचे लाता है यहाँ संभल जिले से। अभी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना जारी है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, संभल जिले से लाके अमरोहा में मतलब इसको सप्लाई करते थे, क्या करते थे इसको कारोबार करते थे? यही बात जानकारी में आई है कि अभी संभल जिले से लेकर के आगे बेच रहा है, लेकिन ये कभी कहाँ से कितनी मात्रा में लेकर के किसको बेच रहा है ये बात निचना के दौरान पता की जा रही है। ठीक है सर, धन्यवाद।